हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान इतिहास की क्लास है वो स्टार्ट की गई थी अपनी। दोस्तों, इसमें 9 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा राजस्थान इतिहास पटवार भर्ती 2019 के नाम से फोल्डर मिलेगा। आप वहाँ जाके सारे के सारे पिछले वीडियो हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों, आज इसमें 10वें नंबर की क्लास है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अपनी 16 राजा हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं मेवाड़ के इतिहास में। आज दोस्तों 17 नंबर का राजा है, इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राज सिंह। ठीक है, राज सिंह मेवाड़ का राजा है और इनका शासनकाल है 1652 से 1680 तक। अब देखो, राज सिंह की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी। तो देखो, राजनीतिक उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखो, इसने चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत कराई। इस प्रकार सांझा के खिलाफ आक्रमण नीति अपनाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संधि होती है, उस संधि में ये कहा गया था कि चित्तौड़गढ़ का किला है इसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों राज सिंह क्या करता है कि इस किले की मरम्मत कराता है और सांझा के खिलाफ है वो आक्रमण नीति अपनाता है। देखो, इसने उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था। यह पहला राजा था जिसने मुगलों का समर्थन किया था। तो दोस्तों, यह पहला राजा ऐसा था जिसने मुगलों का समर्थन किया था, मेवाड़ का राज सिंह। इस अवसर का, यानी कि जब मुगल आपस में लड़ रहे थे, इस अवसर का फायदा उठाकर टीका दौड़ करवाई तथा आपस में मुगल क्षेत्र जीत लिए, आसपास के मुगल क्षेत्र जीत लिए। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ था कि दोस्तों, जब मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष का युद्ध चल रहा था, तो दोस्तों उसका फायदा उठाकर क्या किया था राज सिंह ने, एक टीका दौड़ करवाई। ठीक है, वो टीका दौड़ करवाई तो उससे क्या हुआ कि दोस्तों, टीका दौड़ से इन्होंने क्या किया कि आसपास के जो मुगल क्षेत्र थे उनको जीत लिया था। किसने? राज सिंह ने। इसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। तो दोस्तों, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। ठीक है, और इस जजिया कर का विरोध किया था किसने? राज सिंह ने। ठीक है, देखो, इसने मारवाड़ के अजीत सिंह, यानी कि जसवंत सिंह का बेटा था अजीत सिंह, जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह, ठीक है, 1678 में, को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया था। यानी कि अब देखो, इसमें मारवाड़ के अजीत सिंह को कैद कर रखा था किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, तो राज सिंह ने क्या किया था कि अजीत सिंह का समर्थन किया था औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है, इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी कहा जाता है। इसने औरंगजेब से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा की। तो दोस्तों, इसने क्या किया, जब औरंगजेब मुगल शासक था तो उसने मंदिरों को तोड़वाना स्टार्ट कर दिया था, देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उनको नष्ट करवाना चाहता था वो। तो दोस्तों, राज सिंह ने क्या किया था कि इन मूर्तियों की रक्षा की थी। इसने औरंगजेब से हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी, जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। ठीक है, और चारुमती से विवाह करना चाहता था कौन? औरंगजेब। ठीक है, लेकिन चारुमती है वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, जब यह संकट आया था किशनगढ़ के ऊपर, ठीक है, तो चारुमती ने क्या किया था कि राज सिंह से विवाह कर लिया था। ठीक है, रूपनगढ़ में। एक तो ये चीज़ याद रखना कि औरंगजेब के विरुद्ध चारुमती से विवाह किया था राज सिंह ने। ठीक है, देखो, परीक्षा में प्रश्न आता है कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, ठीक है, तो ये भी प्रश्न आता है कि क्यों लगाया। तो उसमें एक कारण ये भी माना जाता है कि राज सिंह है, इसने औरंगजेब के खिलाफ चारुमती से विवाह कर लिया था। ठीक है, ये भी एक कारण माना जाता है इसमें। देखो, हाड़ी रानी,
हाड़ी रानी में देखो इनका नाम सहेल कंवर था। हाड़ी रानी में हाड़ी रानी किसके नाम से जानते हैं? तो दोस्तों सहेल कंवर को हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। यह सलुम्बर के रावत रतन सिंह की रानी थी, ठीक है। यह सलुम्बर के रावत रतन सिंह की रानी थी। अपने पति के युद्ध में जाने से पहले पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना सिर काट कर दे दिया था। किसे? तो दोस्तों रतन सिंह को, ठीक है। देखो सलुम्बर के रावत रतन सिंह थे जो हरावल में लड़ते थे, यानी कि सेना में सबसे आगे लड़ते थे, ठीक है। तो रतन सिंह क्या है कि युद्ध में नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। तो अपने प्रेम के अनुसार दोस्तों रतन सिंह ने क्या किया कि अपनी पत्नी से कुछ निशानी मांगी, ठीक है। तो सहेल कंवर ने क्या किया कि अपना सिर काट कर दे दिया। किसको? तो दोस्तों रतन सिंह को, ठीक है। देखो मेघराज मुकुल की कविता सेनानी, यानी कि अर्थ होता है निशानी, ठीक है। इसमें हाड़ी रानी के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि सर काट दियो छत्राणी, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखो, इन्होंने तीन मंदिर बनवाए। कौन कौन से? श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और अंबा माता का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में। और अंबा माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। तो दोस्तों ये तीन मंदिर बनवाए थे राज सिंह ने, ठीक है। देखो तीन झीलें भी बनवाई थी, तीन झील का भी निर्माण करवाया था राज सिंह ने। वो कौन कौन सी थी? तो राजसमंद झील, ठीक है, जो नौचौकी पाल के ऊपर स्थित है, और त्रिमुखी बावड़ी जो उदयपुर में स्थित है, और कौन सा तो इसमें देखो जाना सागर तालाब, ठीक है। जाना सागर तालाब है ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में। तो देखो राजसमंद झील का निर्माण करवाया, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया, जाना सागर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था राज सिंह ने। देखो राज सिंह के पास तीन विद्वान थे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखो तो एक है किशोरदास, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजप्रकाश, ठीक है। और सदाशिव भट्ट, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजरत्नाकर, ठीक है। और एक थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने लिखा था अमर काव्य वंशावली। तो तीन विद्वान थे राज सिंह के पास में, किशोरदास, सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। रणछोड़ भट्ट तेलंग है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अमर काव्य वंशावली। और दोस्तों क्या लिखा था आप सभी को पता होना चाहिए, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी, ठीक है। और ये कहाँ पर लगी हुई है? राजसमंद जेल के बाहर नौचौकी पाल पर लगी हुई है ये राज प्रशस्ति, ठीक है। अब देखो राज सिंह को दो उपाधि भी दी गई है, राज सिंह को दो उपाधि भी दी गई है। उपाधि का नाम क्या है? तो देखो हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर यानी कि पानी की व्यवस्था करने के कारण दोस्तों इनको ये संज्ञा दी गई है हाइड्रोलिक रूलर। किसको? राज सिंह को, ठीक है। विजय कटकातु यानी कि बहुत सारे युद्ध जीतने के कारण दोस्तों ये उपाधि दी गई थी राज सिंह को, विजय कटकातु की उपाधि, ठीक है। अब देखो राज प्रशस्ति के बारे में आपको इसमें बता देता हूँ, राज प्रशस्ति, ठीक है। तो देखो यह राजसमंद झील के पास 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखी गई प्रशस्ति है, ठीक है, जो संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है, यानी कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो वो है राज प्रशस्ति। और यह राजसमंद झील के पास 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखी गई है, ठीक है। यह प्रशस्ति बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक राजाओं का वर्णन, मुगल मेवाड़ संधि तथा राजसमंद झील के निर्माण की जानकारी देती है, ठीक है। अब देखो राज प्रशस्ति में क्या है, तो बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक जितने भी राजा हुए हैं उन सभी का इसमें वर्णन मिलता है, और मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसका भी वर्णन मिलता है। राजसमंद झील का निर्माण की जानकारी भी दोस्तों इसी से ही मिलती है।
देखो राजसमंद झील का जो निर्माण है वो 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्यों में किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा राज प्रशस्ति क्या है और राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, राज सिंह ने। ठीक है, अब देखो कुंभा के बाद सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाला राज सिंह था। ठीक है, कुंभा के बाद सर्वाधिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाला शासक कौन था, तो राज सिंह था। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में देखो मैंने आपको बताया था अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट कौन था, तो ये महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है, अब देखो अमर सिंह सेकंड पढ़ रहे हैं अपन। अमर सिंह सेकंड इनका शासनकाल रहा था दोस्तों 1698 से 1710 तक। ठीक है, इनके टाइम में दोस्तों एक देबारी समझौता हुआ था। ठीक है, देबारी समझौता हुआ था, तो देखो देबारी समझौता 1708 ईस्वी में। ठीक है, देबारी समझौता हुआ था, यह समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ किया गया था। ठीक है, यह समझौता है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ किया गया था। देबारी का समझौता किन किन के मध्य हुआ था ये समझौता, तो अमर सिंह सेकंड जो मेवाड़ के थे, सवाई जय सिंह जो आमेर के थे, अजीत सिंह जो मारवाड़ के थे, इन तीनों के बीच समझौता हुआ था दोस्तों। ठीक है, और समझौते की शर्त देखना क्या था, शर्त के अनुसार देखो सवाई जय सिंह व अजीत सिंह को उनके राज्य दिलाने में मदद की जाएगी। ठीक है, कौन मदद करेगा, तो अमर सिंह सेकंड। ठीक है, अमर सिंह सेकंड ने अपनी बेटी चंद्रकंवर की शादी सवाई जय सिंह के साथ की तथा शर्त रखी कि चंद्रकंवर के बेटे को आमेर का अगला राजा बनाया जाएगा। ठीक है, चंद्रकंवर के नाम पर ही जयपुर में सिसोदिया रानी का बाग है। ठीक है, तो दोस्तों ये देबारी का जो समझौता हुआ था 1708 ईस्वी में, ठीक है, तो किस किस के मध्य हुआ था, तो जयपुर के सवाई जय सिंह और जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के मध्य यह समझौता हुआ था। और इसी समझौते के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को उनको राज्य दिलाने में मदद करेगा कौन, अमर सिंह सेकंड। और दोस्तों अमर सिंह सेकंड है वो अपनी पुत्री जिनका नाम था चंद्रकंवर, और चंद्रकंवर की शादी है वो सवाई जय सिंह से कर देता है, और यह भी शर्त रखता है कि चंद्रकंवर से जो भी संतान उत्पन्न होगी, यानी कि चंद्रकंवर से उत्पन्न संतान यानी कि बेटे को ही आमेर का अगला राजा बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये था दोस्तों इसमें अमर सिंह सेकंड। और अब आता है अपना 19वां नंबर का शासक जिनका नाम है संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है, संग्राम सिंह सेकंड, तो देखो संग्राम सिंह सेकंड ने क्या किया था कि इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों सहेलियों की बाड़ी है वो कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है, और सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, संग्राम सिंह सेकंड ने। तो देखो इसने सिसारमा गाँव उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था संग्राम सिंह सेकंड ने, तो इन्होंने सिसारमा गांव उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था, और वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक हैं रूप भट्टे। कौन है, रूप भट्टे। तो दोस्तों संग्राम सिंह फर्स्ट कहां पर गया, तो दोस्तों सांगा का जो महाराणा सांगा था उनका नाम था दोस्तों संग्राम सिंह। ठीक है, वो संग्राम सिंह अपने फर्स्ट हो गए, अब ये संग्राम सिंह है ये सेकंड है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब इसके बाद में दोस्तों आएगा शासक, वो है जगत सिंह, वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आज की अपनी 10 नंबर की क्लास कंप्लीट, और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।